हेलो गाइस, मेरा नाम एकदम मौर्य है। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन इंजीनियर हूँ। सो गाइस, मैं ये एचपी का अखिलेश यादव वाला लैपटॉप है। इसमें ये लिखा है माउस प्रॉब्लम, अलग से डिब्बे वाला सॉकेट काम नहीं कर रहा है, स्पीकर वाला ये प्रॉब्लम लिख के दी है कस्टमर ने। बाकी ये लैपटॉप है अखिलेश G4 वाला, इसे हम खोलेंगे। और इस पहले सबसे पहले हम बैटरी निकालते हैं, और बाकी अभी आपके सामने जैसे जैसे मैं खोल लिया हूँ इसी हिसाब से आपको भी खोलना है। और ये इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। इसमें टच पैड का और ये स्पीकर वाला, और ये अलग से स्पीकर वाला लगाते हैं वो वाला नहीं बोल रहा है इसमें। और ये DVD राइटर है, ये भी निकाल दिया। इसी हिसाब से मैं खोल रहा हूँ, इसी हिसाब से आपको भी करना है। और सारे स्क्रू वन बाय वन खोल लेना है जैसे मैं खोल रहा हूँ, इसी हिसाब से आपको भी करना है। और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। ये अखिलेश वाला लैपटॉप है। आपके में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं कर रहा हूँ इसी हिसाब से, आप भी कर लेना। और मेरी शॉप उजहानी में, डिस्ट्रिक्ट बधाई उजहानी में, स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गली सेवन सीट के पीछे। और नहीं पता है तो नहीं मिले सेवन सीट से तो कम से कम अजंता है, अजंता ही दुकान के बराबर में हमारी ये शॉप। और ये किसी ने खोला है, ये पूरा ही अलग कर दिया है। खुद खोला हुआ है, ये पूरा ही अलग कर दिया है। ये नहीं चल रहा है। और इसका बाकी सारे पेज खुल गए हैं, एक बार फिर से देख ले रही हूँ। अच्छा है वाईफाई वाला कार्ड, इसे हम पेज के लिए खोलते हैं और इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं। और ये निकल गया है। और बाकी कोई पेज, एक ये पेज बचा है DVD HDD के नीचे। बाकी तो मैं पेज खोल चुका हूँ इसके। इस तरीके से पत्ते सर लैपटॉप इस तरीके से कर रखा है। और मैं इसके और देखूंगा सही है कि नहीं। कस्टमर ने खुद खोला है ये, और ये उसी वजह से ये इतनी सारी समस्या आई है। सही से खोला नहीं है, और जब आप सही से नहीं खोल पाते हैं तो इसमें सारी कुछ न एक न एक समस्या बन के 100% तैयार हो जाएगी। और आप जैसे मैं खोल लिया हूँ इसी हिसाब से आपको भी खोलना है। निकाल दिया USB को और दीजिए इसके लिए केबल।
और मैं इसे निकाल लिया, काफ़ी सारे पेच निकल चुके हैं। लोगों के लिए इतनी मेहनत कर लिया हूँ और ये मदरबोर्ड निकाल लिया। ये सारी इस तरीके से, इसमें बहुत सारी धूल है। इसे मदरबोर्ड की मदद से साफ सफाई कर लेना है। मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ मशीन से, तो मैं मशीन के लिए इसमें दिखा नहीं पाऊँगा। अभी मेरे पास इतना साधन नहीं है। एलईडी में लाइट आएगी, ये और मैं अभी इसे चेक करता हूँ। और इसके लिए मैं इसे मदरबोर्ड के लिए ट्रिगर कर लूंगा। मदरबोर्ड ऑन हो गया है, मैंने इसे ट्रिगर किया है। अब मैं इसे आउस के लिए चेक करता हूँ। इसकी जो आउस है इधर साइड में, इसकी वन पॉइंट नाइन थ्री पॉइंट थ्री यहाँ सही आ रही है। अब नहीं आई, फाइव वोल्ट आ रहे हैं और आउट कितना हो रहा है, वोल्ट इस पे भी इन्हें मैं इसे चेक कर रहा हूँ। 1.1 उस पर नहीं बन गए। इस पर बनने हैं, ये वाला सही है और ये इस पर नहीं बनने हैं। इसकी आईसी तो सही है और ये
इसका जो हाउस है उस पे भी 3.3 आ रहा है, इस पे आ रहा है 1.0। अभी तो इसकी 19 वोल्ट सप्लाई तो पूरी है सारे। मैं इसकी आवाज़ के ही लिए इसे चेक किया है, मैं इसकी आवाज़ इस आईसी को ही चेंज कर दे रहा हूँ। मैं इसे आईसी को चेंज करने जा रहा हूँ और आप भी पहले मैं इस ऑडियो के जैक को देखूँ पहले सही है कि नहीं। पता चली मैंने आईसी बदल दी और इस ये भी ख़राब हुई तो कहाँ इतना कस्टमर को आएगा और इतना तो रुपये भी नहीं देगा।